महाराज का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। कल तक अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के जरिए महाराष्ट्र से एनडीए को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब एसपी की साइकिल ही एमबीए की सड़क पर पंचर नजर आ रही है। ऐसे संकेत खुद अखिलेश यादव दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए, वहीं पर लड़ेंगे जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में भले ही त्याग कर दिया हो, लेकिन अखिलेश किसी मूड में नहीं दिख रहे हैं। एसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की इच्छा वो खुद जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश के इन अरमानों से नुकसान एमडीए को ही उठाना पड़ेगा। एसपी कम से कम 5 सीट पर अड़ी है, मांग पूरी न होने पर 25 सीटों पर लड़ेगी। एसपी का ज्यादा फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर है। साथ ही समाजवादी पार्टी बागियों को भी अपनी साइकिल पर लिफ्ट दे रही है, साथियों को मुस्लिम वोट के बंटने का नुकसान समझा रही है। अभी अगर जिसको टिकट नहीं मिला हो, कोई मजबूत आदमी होगा तो मैं उसको भी ले सकता हूं। जब मुझे नहीं दिया जाए तो क्या करूंगा। अबू आजमी ने अपने बयान को आज सोशल मीडिया पर लिखकर दोहराया, कहा एमबीए के जवाब का इंतजार है। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने अब तक समाजवादी पार्टी की साइकिल को महाराष्ट्र के सियासी पार्किंग में जगह नहीं दी है। इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। उद्धव गुट एसपी की नाराजगी मोल ले सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एसपी को भावना देना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र के सियासी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।